हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंग्लिश विद भास्कर सर। टुडे आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही नए वर्ड्स लेकर के आया हूँ हिंदी के, जिन्हें सुनने के बाद आपको लगता है कि इनकी इंग्लिश बन सकती है कि नहीं। जैसे हांफना, खनखनाना, झंझनाना, और इन सब वर्ड्स को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इसकी इंग्लिश बन सकती है कि नहीं। फ्रेंड्स, इनकी इंग्लिश बनती भी है, और अभी मैं आपको इंग्लिश भी बनाकर दिखाऊंगा और इस पर बेस्ड सेंटेंसेस भी बनाऊंगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए आप, और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं मोस्ट यूजफुल वर्ड्स की ओर। फर्स्ट है खनखनाना, सेकेंड है झंझनाना, उसके बाद है सिसकना, उसके बाद है कानाफूसी करना, फिर है लुक छिप कर देखना, फिर है करवट बदलना, तड़पना और हांफना। इन सभी वर्ड्स की लिस्ट अब आपके सामने है फ्रेंड्स, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल भी है। चलिए पहले वर्ड की तरफ, खनखनाना टू जिंगल, और जो सेंटेंस है उस पर है सिक्के उसकी जेब में खनखना रहे हैं, द कॉइंस आर जिंगलिंग इन हिज पॉकेट। क्लियर। सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं, झंझनाना टू टिंगल। ध्यान रखें, इसे टिंगल सेंसेशन भी बोलते हैं। उसके दांत झंझना रहे हैं, और जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वह जो है होगा हर टीथ आर टिंगलिंग। सिसकना अगला वर्ड है, टू सॉब इसकी इंग्लिश बनेगी। ध्यान रखें, रोना का इंग्लिश जो होता है वह वीप होता है, मगर मैं यहाँ सिसकना बता रहा हूँ, यानी धीरे धीरे सिसक सिसक कर रोना। तो वह सिसक रही है, सी इज़ सॉबिंग। कानाफूसी करना, जब दो लोग मिलकर के आपस में धीरे धीरे बात करें, किसी की शिकायत करें, तो उसे बोलते हैं टू विस्पर। सोनी और मोनी कानाफूसी कर रही हैं, सोनी एंड मोनी आर विस्परिंग। नेक्स्ट वर्ड है लुक छिप कर देखना, टू पीप आउट। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसे टू पीप भी बोलते हैं। चोर पुलिस को खिड़की से लुक छिप कर देख रहा है, द थीफ इज पीपिंग आउट फ्रॉम द विंडो टू द पुलिस। नेक्स्ट वर्ड है करवट बदलना। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सोने की इंग्लिश होती है टू स्लीप, मगर यहाँ बिस्तर पर सोने की जगह इंसान को नींद ना आए और वह करवट बदलता रहे, तो उसे बोलते हैं टू टर्न ओवर। रामू बिस्तर में करवट बदल रहा है, रामू इज टर्निंग ओवर इन बेड। नेक्स्ट वर्ड है तड़पना, टू एगोनाइज। दुर्घटना के कारण वह तड़प रहा था, तो इसकी आपकी इंग्लिश हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ही वॉज एगोनाइजिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हांफना, टू पैंट। और फ्रेंड्स, इसकी सेंटेंस है इसका, वह तेज दौड़ने के कारण हांफ रहा है, ही इज पैंटिंग बिकॉज ऑफ हार्ड वर्किंग। अब ये सारे सेंटेंसेस मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस जितने भी हैं वह सभी के सभी। सिक्के उसके जेब में खनखना रहे हैं, कॉइंस आर जिंगलिंग इन हिज पॉकेट, उसके दांत झंझना रहे हैं, हर टीथ आर टिंगलिंग, वह सिसक रही है, सी इज सॉबिंग, सोनी और मोनी कानाफूसी कर रही हैं, सोनी एंड मोनी आर विस्परिंग। नेक्स्ट है चोर पुलिस को खिड़की से लुक छिप कर देख रहा है, द थीफ इज पीपिंग आउट फ्रॉम द विंडो टू द पुलिस। रामू बिस्तर में करवट बदल रहा है, रामू इज टर्निंग ओवर इन बेड। दुर्घटना के कारण वह तड़प रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ही वॉज अगोनाइजिंग। वह तेज दौड़ने के कारण हांफ रहा है, ही इज पैंटिंग बिकॉज ऑफ हार्ड रनिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।